फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के ऑप्शनल ज्योग्राफी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो दो मायनों में आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज है कि आपने देखा होगा कि जो आपके जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं और विशेष रूप से जो आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी का पेपर टू है, इनमें जो आपके अर्बन अफेयर से जुड़े मामले हैं, यानी शहरी भारत में जो शहरी विकास है इससे जुड़े हुए जो मामले हैं उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये करंट अफेयर से होते हैं। अब देखिए, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है ये बेसिकली एक एडिटोरियल से लिया गया है, और इस एडिटोरियल के जो राइटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो भारत के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, यानी कि जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं शहरी मामलों से जुड़े हुए, हरदीप एस पुरी जी, उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है, भारत में वर्तमान में शहरी विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, हर उस चीज के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही देखिए, एक दूसरी बात है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको मैंने अपनी तरफ से एडिट कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर आपको जो अर्बन एग्लोमरेशन होता है इसकी परिभाषा जानने को मिलेगी, जो कि भारत की सेंसस कहती है, यानी कि भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 की, उसमें जो एग्लोमरेशन की परिभाषा बताई गई थी वो भी आपको जानने को मिलेगी। तो इस तरह से कई सारे अलग अलग फैक्ट्स हैं जिनको मैंने अपनी तरफ से एडिट कर दिया है, और ये भी आपको जानने को मिल जाएंगे। तो अब हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, अगर आप में से कोई ऑप्शनल ज्योग्राफी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पर दिए गए आप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अर्बन सेक्टर रिफॉर्म से जुड़ा हुआ आर्टिकल है जिसको हमारे यूनियन मिनिस्टर हरदीप एस पुरी जी ने लिखा है। तो देखिए, हरदीप एस पुरी जी जो पहला महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि जो भारत में नगरों का विकास है उसके ऊपर भारत की जो वर्तमान सरकार है वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। थोड़ा सा देखिए इसकी पृष्ठभूमि को समझिए, ये लॉजिकल भी है, क्योंकि जब एक देश का आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो जो शहर है वो भी तेजी से बड़े होते हैं। और अगर ऐसे में शहरों को देखिए सही से विकसित ना किया जाए, शहरों के डेवलपमेंट पे पर्याप्त ध्यान ना दिया जाए, तो बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे कि एक समस्या आपकी हो सकती है क्राइम की, इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही देखिए, अगर आप छोटे नगरों का विकास नहीं करते हैं, केवल बड़े नगरों के विकास पे ध्यान देते हैं, तो जो माइग्रेशन है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आएगा। क्योंकि देखिए, जो छोटे छोटे गांव होंगे इनके बीच में कोई ऐसे छोटे शहर नहीं होंगे, कोई स्मॉल टाउन नहीं होंगे जहां जा करके ये जो गांव के लोग हैं रोजगार पा सके या अपने उत्पादों को बेच सके। तो ऐसे में क्या होता है, जो बड़े सिटीज हैं जिन्हें मेगा सिटीज कहते हैं, वहां पर गांव वगैरह से आसपास के जो विलेज हैं वहां से माइग्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है, और ऐसे में सिटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम पड़ जाएगा, रोड कम पड़ जाएगी, ट्रैफिक रहने लगेगी। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं अगर एक देश के विकास के साथ साथ उसके शहरों का विकास ना किया जाए। तो भारत सरकार जो है इस चीज को समझती है, और 2004 से 14 के बीच में जो हमारा 1,57,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था शहरी विकास के लिए 2014 से 20 के बीच में, इसको बढ़ा करके 11,00,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी कि कई गुना वृद्धि कर दी गई शहरी विकास के लिए खर्च किए जाने वाले फंड में। अब देखिए अगले 5 सालों की क्या योजना है, अभी हमारा बजट आया है तो हमारी अगले 5 सालों की क्या योजना है। भारत देखिए आने वाले 5 सालों में 7,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, और इससे क्या होगा कि एक तो हमारे शहरों में व्यापार करना आसान होगा। देखिए, जब शहरों में व्यापार करना आसान होगा तभी व्यापारी वहां पर आकर व्यापार करेंगे, और जब वहां पर व्यापार होगा तो रोजगार के नए अवसर आएंगे, रोजगार के नए अवसर आएंगे तो मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। इसके साथ ही शहरों में रहना आसान होगा। अभी देखिए जो शहरों की बहुत सारी समस्याएं हैं, पीने का पानी नहीं है, गंदगी है, ये सारी समस्याएं भी दूर होंगी। तो अब इसके लिए देखिए कहां पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इसको आप एक बार समझ लीजिए कि सरकार की प्राथमिकताओं में क्या क्या है। तो 5,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वाटर और सैनिटेशन के ऊपर, यानी कि जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह है इन सभी चीजों के ऊपर 5,00,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। 88,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा मेट्रो रेल के ऊपर। देखिए, जब भी पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आए आप तुरंत बता सकते हैं,
जी भारत सरकार की 88,000 करोड़ रुपए की योजना है मेट्रो रेल को मेट्रो रेल के विस्तार की, और इससे जो पोल्यूशन है उससे लड़ने में मदद मिलेगी। इसी तरह से कभी ट्रांसपोर्टेशन पे क्वेश्चन आए तो भी आप इस फैक्ट का यूज कर सकते हैं। 33,000 करोड़ रुपए जो है ऐसे शहरों को दिया जाएगा जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से कम है। अब देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अक्सर बात होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की। कहीं ऐसा ना हो कि जितना भी पैसा है वो केवल बड़े बड़े शहरों में निवेश कर दिया जाए और जो छोटे शहर हैं उनका विकास ना हो सके। इससे जुड़ा हुआ मैं आपको एक मॉडल भी ज्योग्राफी का याद दिलाता हूँ, जो आपका पेरू और बोलीविया का वृद्धि ध्रुव मॉडल है। तो ये जो वृद्धि ध्रुव और वृद्धि केंद्र मॉडल है ये बेसिकली यही कहते हैं कि डेवलपमेंट केवल कुछ ही जगहों पे संभव होता है, तो सारा का सारा जो निवेश है वो एक ही जगह पे किया जाए। लेकिन इस ये जो मॉडल है इसकी बहुत बहुत ज्यादा आलोचना होती है, जैसे कि गुन्नार मिर्दाल वगैरह ने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की है। तो ऐसे में देखिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है जो वर्तमान सरकार हमारी कर रही है कि बड़े शहरों का तो हमको विकास करना ही है, लेकिन इसके साथ ही जो छोटे शहर हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ ही फिर देखिए, अब देखिए ये चीजें जो होती हैं ये आपके जो आर्टिकल्स हैं उसमें नहीं होती हैं, ये आपकी कैपेसिटी होती है कि आप चीजों को कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, कैसे इनका अर्थ निकाल रहे हैं। फिर देखिए जो 26,000 करोड़ रुपए है ये हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाएगा, 18,000 करोड़ रुपए फिर से एक बार बस ट्रांसपोर्ट के ऊपर, 15,000 करोड़ रुपए आपका क्लीन एयर के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ ही 8,450 करोड़ रुपए नए शहरों के ऊपर, और इसके साथ ही जो म्यूनिसिपल सर्विसेज होती हैं इन चीजों के ऊपर खर्च होगा। अब देखिए कुछ योजनाओं की अगर बात करें कि भारत में शहरों के विकास के लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, ये सारी आपके शहरी विकास के लिए योजनाएं हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं अलग से। इसके साथ ही आपकी जैसे जल जीवन मिशन है तो इसके ऊपर 2.87 लाख करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों में खर्च किया जाएगा, और जाहिर सी बात है जो शहरों में जो जल की समस्या होने वाली है, जो पेयजल की समस्या होने वाली है, उससे लड़ने के लिए ये फंड बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। इसके साथ ही जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 है इसमें भी 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिससे कि जन सुविधाओं का विकास किया जा सके, और इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा इसको भी मजबूत किया जा सके। अब देखिए कुछ और बातें समझते हैं, तो जैसे सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी की बात होती है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैसे जो एक शहर है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को सस्टेनेबल बनाया जाए। देखिए अभी की जो व्यवस्था है जिसमें कार का यूज हो रहा है, बाइक का यूज हो रहा है, इस सब से क्या हो रहा है कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, और इसके साथ ही जो ट्रैफिक वगैरह है इसकी भी समस्या रहती है। तो जो हमारी अर्बन मोबिलिटी है इसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, इसके लिए सरकार ने अभी जैसा हम लोगों ने देखा है कि बस ट्रांसपोर्ट को विकसित करने के प्रबंध किए हैं, इसके साथ ही मेट्रो को विकसित किया जाएगा। इसमें देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो ये दो अलग तरह की परियोजनाएं हैं, और इन परियोजनाओं का संबंध है छोटे शहरों से, यानी कि छोटे शहर जो है वहां पर मेट्रो के विकास से संबंधित ये परियोजनाएं हैं, मेट्रो लाइट मेट्रो नियो, और ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि देखिए जो छोटे शहर हैं वही धीरे धीरे बड़े शहरों में बदलेंगे, और अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है एक जो छोटा शहर है उसका डेवलपमेंट भी ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा देखिए इसके फायदे क्या होते हैं, एक तो मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं वहां अच्छी बस की फैसिलिटी है, तो अच्छी मेट्रो की फैसिलिटी है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। इसके साथ ही लिवलीहुड यानी कि रोजगार के आपके पास ज्यादा साधन हो जाते हैं, और एक बड़ी बात है कि जो वुमेन वर्कफोर्स है उसका भी पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। देखिए जो महिलाएं हैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान होगा, सुविधाजनक होगा, तो निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं वो भी कार्य करने में ज्यादा सक्षम होंगी। तो इस तरह से कई सारे फायदे इसके होते हैं। फिर देखिए इसके साथ ही और क्या किया जा रहा है, अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखें तो जो हमारी लोकल बॉडीज है ये आपके जीएस में भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, और साथ में अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी पेपर 2 का आप सिलेबस देखें तो उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है लोकल बॉडीज। तो जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उसमें भी सुधार के लिए भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, और इसको देखिए एक बार मैं आपको पहले भी कुछ चीजों को बता चुका हूं
तो जैसे कि जो हमारी म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, जो आपकी नगर पालिकाएं होती हैं, जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, इनके द्वारा जो अलग अलग सर्विस दी जाती हैं, उनका डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। हर चीज को डिजिटल माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे कि जो आपके बिल्डिंग प्लान होते हैं, इसको नगर पालिका वगैरह पास करती है, तो अब इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा जिससे कि ये जल्दी हो सके। इसके साथ ही अलग अलग चीजों के लिए जो आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लाइसेंस लेना होता है, तो ये लाइसेंस लेना भी आपके लिए आसान बना दिया जाएगा। तो ये कुछ सुधार किए जा रहे हैं जिससे कि जो शहरों का डेवलपमेंट है उसको गति दी जा सके। इसके साथ ही देखिए, एक लोकल गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है किसी भी तरह की गवर्नमेंट को चलाने के लिए आपको बजट की, यानी पैसों की जरूरत होगी। और हमेशा से एक समस्या सामने रही है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उनके पास फंड की कमी रहती है। तो इस फंड की कमी को दूर करने के लिए एक तो प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित कुछ रिफॉर्म किए गए हैं। उससे भी बड़ा देखिए, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो है कि म्यूनिसिपल बॉन्ड की व्यवस्था की गई है। देखिए, म्यूनिसिपल बॉन्ड बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। जो गुजरात जैसे हमारे राज्य हैं, वहां पर कई बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए गए हैं। लेकिन देखिए, अभी हाल में जैसे लखनऊ है, और भी पुणे है, बैंगलोर है, हर जगह पे इन म्यूनिसिपल बॉन्ड की व्यवस्था की जा रही है। इससे होता क्या है, देखिए बॉन्ड क्या होता है, आप बाजार से एक परियोजना, मान लीजिए आपको कोई परियोजना चलाना है, उसके लिए आप बाजार से पैसा लेते हैं उधार, और आप कहते हैं कि एक निश्चित समय के बाद, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए लिए थे, तो आप कहते हैं एक निश्चित समय के बाद, मान लीजिए 7 साल के बाद, हम इस 10,000 को 13,000 रुपए में बदल करके आपको दे देंगे, यानी कि उस बॉन्ड को रिपर्चेज कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, देखिए आपने मार्केट से पैसा लिया है और आपको लौटाना है, तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएंगे, ज्यादा आप अकाउंटेबल होंगे। तो जो हमारे म्यूनिसिपल बॉन्ड है, इसकी वजह से जो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन रही है, ज्यादा अकाउंटेबल बन रही है। और इस टॉपिक को आप थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पढ़िए। इसके साथ ही जो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन है, ये बड़े शहरों के लिए क्या व्यवस्था करता है, देखिए जो 1 मिलियन प्लस चैलेंज है, तो एक इसने बात की है 1 मिलियन प्लस चैलेंज फंड की। ये किसके लिए बात की है, ऐसे एग्लोमरेशन के लिए जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, यानी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो भारत के एग्लोमरेशन हैं, इनमें 1 मिलियन प्लस चैलेंज फंड को जारी किया जाए, जिससे कि यहाँ पर जो शहरों को अलग अलग सुविधाएं चाहिए होती हैं, सैनिटेशन से लेकर हर तरह की, उनको प्रोवाइड किया जा सके। देखिए, कुछ शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि अर्बन एग्लोमरेशन होता क्या है। तो देखिए, एग्लोमरेशन की हिंदी होती है गुच्छ या समूह। तो जो आपका अर्बन एग्लोमरेशन है, बेसिकली ये गुच्छा है। देखिए किस तरह का गुच्छा है, मान लीजिए ये आपका एक टाउन हो गया, अब इस टाउन के पास में ये एक विलेज है। अब देखिए, विलेज है तो विलेज की सीमा भी होगी, तो विलेज की सीमा के अंदर, यानी कि देखिए ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ गांव की जो सीमा है इसके अंदर एक कॉलोनी है। ये अब आपकी रेलवे कॉलोनी हो सकती है, डिफेंस की कोई कॉलोनी हो सकती है, कोई भी यहाँ पर एक कॉलोनी है। तो ये कॉलोनी किसके अंदर आ रही है, गांव की सीमा के अंदर। लेकिन जो सर्विसेज हैं वो कहाँ से इसको प्राप्त हो रही हैं, पास के टाउन से, यानी कि जो टाउन की पक्की सड़कें हैं, जो टाउन की हेल्थ की सर्विसेज हैं, जो टाउन की अलग अलग एजुकेशनल सर्विसेज हैं, ये सभी इस कॉलोनी को प्राप्त हो रही हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं टाउन की आउट ग्रोथ, यानी कि ये जो टाउन है ये बाहर की तरफ फैला हुआ है, एक तरह से ये अर्बन स्प्रेड है, यानी कि शहर का बाहर की ओर फैलना। और ये जब अर्बन स्प्रेड हुआ तो क्या हुआ, इसकी वजह से ये जो पास की गांव की कॉलोनी है, यहां तक शहर की जो कह लीजिए सर्विसेज हैं, उसका विस्तार हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो यहाँ पर कॉलोनी है इसी को हम लोग कहेंगे आउट ग्रोथ। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें शहर का विकास हुआ बाहर के एरिया तक, इसको कहेंगे अर्बन स्प्रेड। तो देखिए, यहाँ पर तो एक विलेज हम लोगों ने बनाया है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कोई विलेज और है, या हेमलेट हो और उसकी एक कॉलोनी हो, यहाँ पर भी हो सकता है एक विलेज हो उसकी भी एक कॉलोनी हो। तो इस तरह से जो टाउन है ये लगातार आगे की ओर फैल रहा है, इसको कहते हैं अर्बन स्प्रेड, और इसी से अर्बन एग्लोमरेशन बनता है। देखिए, आपको यहाँ पर एक गुच्छे या गुच्छा दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। एक इसका दूसरा प्रकार भी हो सकता है, मान लीजिए दो टाउन है, ये दोनों टाउन आपस में कॉन्टिजुअस है, यानी कि जुड़े हुए हैं, आपस में काफी पास पास हैं, और कह लीजिए कि मिल करके गुच्छे का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो दोनों टाउन्स हैं,
इनके भी आउटग्रोथ्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, यानी इनके पास में भी आउटग्रोथ हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एग्लोमरेशन हम लोग तभी कहेंगे जब कम से कम जो दो टाउन है वो फिजिकली कॉन्टिजुअस हो, यानी कि फिजिकली एक दूसरे के पास पास में हो और मिल करके एक एग्लोमरेशन बना रहे हो। तो ये देखिए मैंने आपको थोड़ा सा अर्बन एग्लोमरेशन बता दिया, जिससे अगर ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको कुछ इसके बारे में चीजें क्लियर हो। इसके साथ ही देखिए आपकी जो सिविक एजेंसीज होती हैं अलग अलग, जैसे कि एक शहर है तो उसमें वाटर के लिए अलग व्यवस्था होती है, जो आपकी दूर संचार की लाइन्स होती हैं उसकी अलग व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन की अलग व्यवस्था होती है, तो इन सब का इंटीग्रेशन किया जाए। देखिए होता क्या है, एक बार रोड बनाई गई तो फिर उसके बाद जो है वहां पे पाइपलाइन पड़ना है वाटर की, तो फिर तोड़ दी गई, उसके बाद फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लाइन पड़ना है तो फिर से तोड़ दी गई। तो इसके लिए कि इनका इंटीग्रेटेड प्लान होना जरूरी है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इनका इंटीग्रेशन किया जाए जो अलग अलग एजेंसीज हैं। इसके साथ ही देखिए एक प्रोग्राम चल रहा है अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसके अंदर क्या है कि जो युवा हैं जैसे ग्रेजुएट हैं डिप्लोमा होल्डर हैं तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से आपको जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके कामकाज को देखना है या फिर जो आपका शहरी विकास का काम है उसको किस तरह से किया जाना चाहिए। तो इससे क्या है कि एक तरफ तो युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं, उसको युवाओं को इंटर्नशिप मिल रही है, और दूसरी तरफ जो स्किल्ड लेबर है या फिर जो स्किल्ड काम करने वाले लोग हैं वो हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिल पाएंगे। और अंतिम जो यहाँ पर पॉइंट है वो है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये देखिए क्या है, कोविड-19 के दौरान जब अधिकारियों को अलग अलग इंफॉर्मेशन की जरूरत थी तो एक तरह से रूम्स बनाए गए, कुछ रूम्स बनाए गए और इन रूम में सभी इंफॉर्मेशन आती थी, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता था और जो इंफॉर्मेशन जिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिस कह लीजिए अधिकारी के लिए जरूरी है, जिस विभाग के लिए जरूरी है, वहां पर इस इंफॉर्मेशन को भेज दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ, एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बना, यानी कि पूरे शहर के ऊपर एक जो रूम है उससे नियंत्रण रखा जा रहा था, पूरे शहर की जो व्यवस्था है उसको एक रूम से देखा जा रहा था। तो ये भी भविष्य के लिए देखिए एक बहुत अच्छा मॉडल है जिसको भारत सरकार और ज्यादा विकसित करने पे ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ये देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, यहाँ पर हम लोगों ने हर पॉइंट्स को शॉर्ट में देखा है। अब इसमें से कुछ चीजें हैं जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, म्यूनिसिपल बॉन्ड, इस तरह की जो चीजें हैं इनको आपको अपने लेवल पे और भी ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए।